क्या आपने कभी सोचा है कि इस ब्रह्मांड की सबसे तेज आवाज कितनी तेज हो सकती है? तो आज हम आपको इस ब्रह्मांड की सबसे तेज आवाज सुनाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस पृथ्वी पर सबसे तेज आवाज एक ज्वालामुखी के फटने का था, जो 27 अगस्त 1883 को इंडोनेशिया के क्रकाटोआ आइलैंड पर विस्फोट हुआ था। ये आवाज इतनी तेज थी कि इसकी आवाज लगभग 5000 किलोमीटर दूर से भी सुनी जा सकती थी। तो आइए पहले इसकी आवाज सुनते हैं। और जो ब्रह्मांड की सबसे तेज आवाज है वो दो ब्लैक होल की टकराने की आवाज है। लेकिन शायद आप जानते होंगे कि स्पेस में आवाज नहीं सुनाई देती, तो जो आप सुनने वाले हैं उसे वैज्ञानिकों ने गुरुत्वाकर्षण तरंगों को साउंड में कन्वर्ट किया है। और ये आवाज जिन ब्लैक होल्स का है वो सूरज से लगभग 30 गुना ज्यादा बड़े थे। जब दोनों ब्लैक होल आपस में टकराए थे तो जितने भी सितारे ब्रह्मांड में ध्यान देने योग्य है उससे 50 गुना ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हुआ था। आइए आपको इसकी भी आवाज सुनाते हैं। हमारा सोलर सिस्टम 8,28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गैलेक्सी में ट्रैवल करता है। ये स्पीड इतनी तेज है कि आप मात्र 2 मिनट 54 सेकंड में धरती का एक पूरा चक्कर लगा सकते हैं। हालांकि ये स्पीड आपको बहुत तेज लग सकती है, लेकिन हमारे सूर्य को मिल्की वे के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने में इतना समय लगता है कि सूर्य ने अभी तक सिर्फ 20 चक्कर ही पूरे किए हैं। जिस तरह हमारी पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन लगते हैं, उसी तरह सूर्य को गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में 225 मिलियन वर्ष लगते हैं। गैलेक्सी के केंद्र के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने को एक गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। और हमारा सूर्य 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है, जिसका अर्थ है कि इसने यह यात्रा लगभग 20 बार की है।